हाल ही में तीसरी कोशिश के बाद तीन तलाक बिल पास हुआ, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय की महिलाओं में बेहद खुशी है। और हो भी क्यों ना, आखिर एक लंबे संघर्ष के बाद जो उन्हें आज़ादी मिली है और सरकार के लिए भी ये उपलब्धि बड़ी ही खास है कि आखिर तीसरी कोशिश में ये बिल पास हो गया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तीन तलाक बिल के पीछे असली सूत्रधार कौन है और इस बिल की कहानी कहाँ से शुरू हुई? नहीं ना, तो चलिए आपको याद दिलाते हैं। दरअसल ये कहानी है सन 1978 की और इसकी शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश से, जब मध्य प्रदेश की इंदौर की रहने वाली मुस्लिम महिला शाहबानो को उनके पति मोहम्मद अहमद ने 62 वर्ष की उम्र में तलाक दे दिया था। उनके शौहर ने 1978 में ही तीन तलाक कहते हुए उनको घर से निकाल दिया। मुस्लिम कानून के अनुसार शौहर बीवी की मर्जी के खिलाफ ऐसा करने के लिए स्वतंत्र था। बता दें कि शाहबानो उस वक्त 5 बच्चों की माँ थी और तीन तलाक का फैसला किसी भी महिला के लिए बेहद दुखदायी होता है, वो भी ऐसे समय में जब वो 5 बच्चों की माँ हो। और ऐसे में शाहबानो बच्चों और अपनी आजीविका का कोई साधन ना होने के कारण पति से गुजारा लेने के लिए शाहबानो अदालत में पहुंची। और कमाल की बात यह है कि उस लाचार महिला को फैसले तक के लिए 7 साल का इंतजार करना पड़ा। दरअसल 1981 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 1985 में इसका फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने CRPC की धारा 125 के तहत फैसला दिया, जो हर किसी पर लागू होता है, फिर चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो। कोर्ट ने निर्देश दिया कि शाहबानो को निर्वाह व्यय के समान जीविका दी जाए। इसके बाद ये मात्र एक केस ना रहकर राजनीतिक रूप लेने लगा और कांग्रेस ने अपने इस कदम को धर्मनिरपेक्षता की मिसाल के रूप में पेश किया। तब सरकार के पास 415 लोकसभा सांसदों का बम्पर बहुमत था, लिहाजा मुस्लिम कानून 1986 में आसानी से पास हो गया। और इस केस में मोड़ तब आया जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शाहबानो के पक्ष में आए न्यायालय के फैसले के खिलाफ देश भर में आंदोलन छेड़ दिया। देश के तमाम मुस्लिम संगठनों का कहना था कि न्यायालय उनके पारिवारिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके उनके अधिकारों का हनन कर रहा है। और इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पूरी तरह डर गए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस्लाम में दखल मानकर केंद्र ने एक नया कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू होने से ही रोक दिया और शाहबानो इंसाफ से वंचित रह गए। इसके बाद दूसरी चर्चित महिला थी शायरा बानो, जहां शाहबानो के केस में कानून बनते बनते रह गया और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। वहीं शायरा बानो के केस में केंद्र सरकार की भूमिका नायक वाली रही, जिसके बाद एक नया कानून बनने जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली सायरा बानो ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर तीन तलाक और निकाह हलाला के चलन को संवैधानिकता की चुनौती दी थी। साथ ही उनकी याचिका में मुस्लिमों में प्रचलित बहुविवाह प्रथा को भी गलत बताते हुए उसे खत्म करने की मांग की गई थी। अर्जी में सायरा ने कहा था कि तीन तलाक संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सायरा बानो ने बताया कि 10 अक्टूबर 2015 को पति ने मुझे तलाक दे दिया। तलाक के बाद मैं अपने अभिभावकों के साथ रह रही हूँ। मेरा एक बेटा और एक बेटी है, दोनों स्कूल जाते हैं। उनका खर्चा मैं कैसे उठाऊं? मुझे लगता है कि मेरे मूल अधिकार का हनन हुआ है। अभिभावकों की मदद से मैं दिल्ली आई और एडवोकेट बालाजी श्रीनिवासन से मिलकर कोर्ट में याचिका दायर की। मुझे किसी भी दूसरी महिला की तरह अपना हक चाहिए। इसके बाद तीसरा नाम है आफरीन रहमान का। जयपुर की 25 वर्षीय आफरीन रहमान ने भी तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने बताया था कि इंदौर में रहने वाले उनके पति ने स्पीड पोस्ट के जरिए तलाक दे दिया, जो सही नहीं है। आफरीन ने कोर्ट से न्याय की मांग की थी। आफरीन का आरोप था कि उनके पति समेत ससुराल पक्ष के दूसरे लोगों ने मिलकर दहेज की मांग को लेकर उनके साथ काफी मारपीट की और फिर उन्हें घर से निकाल दिया। दो महिलाओं के संघर्ष की कहानी सुनते ही और भी महिलाएं सामने आने लगी। तीसरी महिला थी आतिया साबरी। यूपी के सहारनपुर की आतिया साबरी के पति ने कागज पर तीन तलाक लिखकर आतिया से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। उनकी शादी 2012 में हुई थी, जिनकी दो बेटियां भी हैं। आतिया ने आरोप लगाया कि लगातार दो बेटियां होने से नाराज उनके शौहर और ससुर उन्हें घर से निकालना चाहते थे, उन्हें दहेज के लिए भी परेशान किया जा रहा था। इसके बाद एक अजीबोगरीब मामला सामने आया था, वो भी यूपी से। यूपी के ही रामपुर में रहने वाले गुलशन परवीन को उनके पति ने 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर तलाकनामा भेज दिया। गुलशन की 2013 में शादी हुई थी और उनका 2 साल का बेटा भी है। इसके बाद एक और मामला देश के दूसरे कोने से आया। तीन तलाक को संवैधानिकता की चुनौती देने वालों में पश्चिम बंगाल के हावड़ा की इशरत जहां भी शामिल थी। इशरत ने अपनी याचिका में कहा था कि उसके पति ने दुबई से ही उसे फोन पर तलाक दे दिया।
इशरत ने कोर्ट को बताया कि उसका निकाह 2001 में हुआ था और उसके बच्चे भी हैं जिन्हें पति ने जबरन अपने पास रख लिया है। याचिका में बच्चों को वापस दिलाने और उसे पुलिस सुरक्षा दिलाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि ट्रिपल तलाक गैर कानूनी है और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन है। तो ये थी वो बहादुर महिलाएं जिन्होंने अंधविश्वास और समाज पर से धर्म का पर्दा हटाया, जिन्होंने वर्षों से चली आ रही कुप्रथा को चुनौती दी। आपको बता दें कि इस बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है और अब ये विधेयक कानून बन चुका है, जिससे मुस्लिम महिलाओं में काफी खुशी है, जिससे उन्हें एक नई आजादी का अनुभव हो रहा है। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए।